हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं मैसूर पैलेस देखने, और मैसूर पैलेस जो है वो मैसूर का सबसे ऐतिहासिक जगह है देखने के लिए। और इसकी जो एंट्री फीस है वो है 40 रुपीज़ एडल्ट्स का और 20 रुपीज़ बच्चों के लिए। सो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं महल। मैसूर पैलेस का जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से 5:30 बजे। इस बीच आप कभी भी एंटर करके मैसूर पैलेस देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो रोज़ शाम को होता है 7 PM से 7:45 PM तक। 45 मिनट्स का शो होता है। काफ़ी खूबसूरत लगता है शाम को मैसूर पैलेस लाइटिंग के साथ। और ये जो पैलेस है वो संडे को बंद रहता है और गवर्नमेंट हॉलीडेज को भी बंद रहता है। मैसूर पैलेस रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर का है, जो है वाडियार डायनेस्टी। लगभग 14th सेंचुरी में मैसूर पैलेस को वाडियार डायनेस्टी ने बनाया था। और जब इसे पहली बार बनाया गया था तो शायद ये लकड़ी का बना था, बाद में इसे रीबिल्ड किया गया। मैसूर पैलेस को अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और ये पैलेस रॉयल रेजिडेंस हुआ करता था वाडियार डायनेस्टी का। हेनरी अर्विन वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने मैसूर पैलेस को ब्रिटिश राज के दौरान रीबिल्ड और रीडिज़ाइन किया था। पैलेस का जो आर्किटेक्चर है उसमें हिंदू, मुगल, राजपूत और गोथिक स्टाइल है। मैसूर पैलेस पे काफ़ी दिन तक हैदर अली और टीपू सुल्तान ने राज किया था। जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई उसके बाद मैसूर पैलेस और मैसूर का जो राजपाट था वो वाडियार डायनेस्टी के पास वापस आ गया। मैसूर पैलेस आने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो है दशहरा का टाइम। यहाँ पे दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पैलेस के अंदर दुकानें हैं जिसमें कि आप काफ़ी सारी मैसूर की ऑथेंटिक चीज़ें खरीद सकते हैं, जो कि सैंडलवुड से बनी होती है, सैंडलवुड की चीज़ें और हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क साड़ीज़, अगरबत्तियाँ, ये सब यहाँ से आप ले सकते हैं। पैलेस के अंदर चप्पल पहन के जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए चप्पलों के स्टैंड बने हैं, वहाँ पर आप चप्पल को रख के अंदर जा सकते हैं। Thank you.
Thank you.
आज वीकेंड है सो काफ़ी रश है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था और हमने काफ़ी पीसफुली सब चीज़ें देखी, पैलेस को देखा, बहुत अच्छा लगा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और आपको अगर इंटरेस्ट है हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में तो आप ज़रूर मैसूर पैलेस विज़िट करिए। और अब हमारा यहाँ पे मैसूर ट्रिप का जो जर्नी है वो एंड होता है। सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा होने वाला है कन्याकुमारी के लिए और वो वीडियो मैं लेके बहुत जल्द आने वाली हूँ। सो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।